ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल पे सिंपली अपने कॉलेज का नाम टाइप करना है, जीसी रामपुर, और वहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ये आपको पुरानी वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ से आपको नोटिस में न्यू वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप एडमिशन 2023 पे क्लिक करेंगे और आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, ईमेल एड्रेस जो कि वैलिड होना चाहिए, जिसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, जीमेल की आईडी, फ़ोन नंबर आपका खुद का होना चाहिए, पासवर्ड जो कि आप सेट करेंगे और वहाँ इसको कभी नोट कर लेंगे क्योंकि फ्यूचर में भी आपको यही पासवर्ड और ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे आपने अपना नाम डाल दिया, एक आपने आईडी डाल दी अपनी जीमेल की, ये आपका फ़ोन नंबर है, और पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड में आपने सेम चीज़ डालनी है, और यहाँ से आप कैप्चा यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका पार्ट वन हो गया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। फिर जिस भी जीमेल एड्रेस आपने जो भी एड्रेस दिया है, उस ईमेल एड्रेस को आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये वाली आईडी दी थी, तो मैंने अपनी आईडी फ़ोन पे ओपन कर ली है, जो नॉर्मली फ़ोन पे ओपन ही रहती है आपकी। वहाँ पर नॉर्मली इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको बाकी जगह भी चेक करना है। जैसे यहाँ पर आपने इम्पॉर्टेंट फोल्डर में या स्पैम फोल्डर में आप एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ पर भी मेल आई हो सकती है। तो ये एडमिशन इस नाम से आपको मेल आएगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, अपनी ईमेल वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई ईमेल लिंक, इस चीज़ पे आपको क्लिक करना है और आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर आप दोबारा से जीसी रामपुर की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये कंफर्मेशन ईमेल है कि आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ से आप दोबारा से साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और एक और बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र नेम आपका वही रहेगा जो आपने अपनी जीमेल आईडी डाली थी, और पासवर्ड जो आपने दो बार अपना पासवर्ड लिखा था वो आपका पासवर्ड रहेगा। ये मैंने अपनी डिटेल्स डाल दिए, जो मैंने आईडी क्रिएट की थी और जो पासवर्ड मैंने सेट किया था, और ये कैप्चा मैंने एंटर कर दिया है। अब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और वो आपकी साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, आपको अपने डैशबोर्ड पे ले जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, फ़ीस का लिंक आएगा, जो भी कुछ आएगा वो यहीं पर आएगा। अब ऐसे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, माय डैशबोर्ड, और यहाँ से सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू सी इंस्ट्रक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कैसे आपको अप्लाई करना है।